जांजगीर चांपा जिले में धान के अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शक्ति क्षेत्र के दर्राभाटा गांव में मालखरौदा जनपद के उपाध्यक्ष टेकलाल बघेल से धान जब्त किया गया। मामले में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जिले में अब तक 70 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 17,462 क्विंटल धान के साथ 10 वाहन को जब्त किया गया।